ये मादर यहाँ के हवलदार हैं, ये एक घंटे से जाम लगा के रखे हैं। ये मुमरा घाट के नीचे का तमाशा है। आज मुमरा में जाम नहीं है क्योंकि ऊपर से हुआ रहेगा कुछ, नहीं तो रोज रात को इन लोग का। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर ने किया कुछ ऐसा इंतजाम, तितर बितर हो गए कर्मी, खुल गया बड़े से बड़ा जाम। ये मादर यहाँ के हवलदार हैं, ये घंटे से जाम लगा के रखे हैं। क्या मालूम क्या मार रहे हैं, आदमी नींद में है क्या है, रात भर आदमी गाड़ी चलाए, इनके वजह से घंटा जाम में फंसे। ये मुमरा की हवलदार हैं, आरटीओ भी हवलदार होंगे, दादागिरी का 100-100 रुपया लेते हैं। अब ये लोग जाम क्यों लगाए हैं, अभी आगे दिखाता हूँ, अभी पता लगता है क्या है। ये फोकट की अपनी माँ देते हैं इधर के हवलदार। अभी बताओ, पूरा घाट जाम लगा के रखे हैं, इतने बड़े ये मादर हैं। मैं महाराष्ट्र के सीएम से निवेदन करूँगा कि इन मादर को यहाँ से जल्दी हटाया जाए तत्काल। ये लोग जबरदस्ती का वो करते हैं, देख लीजिए, ये देखिए पर्ची काट रहे हैं, कौन सा पर्ची है इनका। और यहाँ पुलिस वाले खड़ा होके मारते हैं, देख लीजिए इधर हवलदार खड़े हैं दो, ये देख लीजिए। ये मुमरा घाट के नीचे का तमाशा है। इन मादर लोग की वजह से आदमी एक एक घंटा जाम में फंसा रहता, आदमी रात में सोया है नहीं सोया, आदमी रात दिन गाड़ी चला के आता है, और ये लोग जाम लगा के इधर पूरा मुमरा घाट जाम करके रखे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, किस तरह से यहाँ पर जाम लग रहे हैं, लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ब्रेक मार रही हैं, चल रही हैं, रुक रही हैं, यानी कि ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर भी और ब्रेक पर भी। अब इस तरह अगर चलेगा तो वो मंजिल पर कब तक पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, सोचिए कितनी मेहनत लग रही है, कितनी थकन होगी। वो छोड़िए, सबसे बड़ी बात, रात के समय ऐसा हो रहा है जब लोगों के सोने का समय होता है, और ड्राइवर को भी इस बात की फिक्र होती है कि जल्दी से या समय पर अपनी मंजिल पर पहुँचे तो वो थोड़ी सी झपकी मार ले, नींद पूरी कर ले। लेकिन कुछ ऐसे लोगों की वजह से, या यूं कहे बद इंतजामी की वजह से, उन्हें लंबे लंबे जामों में रुकना पड़ रहा है। जी हाँ, वो भी किस लिए, पर्ची काट कर पैसे वसूलने के लिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से पर्ची लिए घूम रहे हैं, गाड़ियों को रुकवा रहे हैं, और किसी के तन पर वर्दी नजर नहीं आ रही है, और इतना लंबा जाम लगवा रखा है, ये किस लिए। चलिए मान लेते हैं कि चेकिंग के लिए, लेकिन अगर चेकिंग के लिए भी है तो भैया ये भी तो बद इंतजामी है कि आप चेकिंग करने की वजह से रास्ता ही जाम करवा दे रहे हैं, ट्रैफिक जाम करवा दे रहे हैं। तो आप तो यहाँ व्यवस्था के लिए हुए, लेकिन ये तो अव्यवस्था बन गई ना। ड्राइवर ने बताया कि ये मुमरा घाट महाराष्ट्र है, जहाँ पर इस तरह से ये खड़े हैं, घूम रहे हैं, और इनके सामने खड़े हैं वर्दी पहने पुलिस कर्मी, वो इनका कुछ नहीं कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि वर्दी वाले तो ठीक, ये बिना वर्दी वाले कौन हैं? इस बात पर आला अधिकारी गौर करें, कौन है जो ड्राइवरों का समय खराब कर रहा है, वो भी रात के समय, जब ज्यादा से ज्यादा जरूरी हो जाता है कि समय पर पहुंच के ड्राइवर नींद पूरी कर ले ताकि सुरक्षित गाड़ी चला सके, हादसे कम हो। इस बात पर तो कोई गौर करता नहीं, उल्टा इस तरह रोक रोक कर उनका समय खराब किया जा रहा है। अब ये जहाँ पर खड़े होते हैं, ड्राइवर ने एक रात इनकी वीडियो बना ली और पहुँचा दी ट्रांसपोर्ट टीवी तक। अब वो वीडियो भेजने के बाद जब ट्रांसपोर्ट टीवी पर आई, ट्रांसपोर्ट टीवी ने अपने चैनल पर चलवाई, उसके बाद अगले चक्कर जब ये यहाँ से गुजर रहे थे तब देखिए उन्होंने क्या कहा। अभी देखो वीडियो डालने के बाद ट्रांसपोर्ट टीवी को, अभी आज मुमरा में जाम नहीं है, आज ये लोग बंद किए हैं, नहीं तो रोज रात को इन लोग का जाम वाला नाटक चालू ही रहता था। लेकिन अभी 2-4 दिन के लिए बंद किए होंगे क्योंकि ऊपर से हुआ रहेगा कुछ बातचीत इनका। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात हर जगह पहुँचाते हैं अपने सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट टीवी का हेल्प करें, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ट्रांसपोर्ट टीवी। उनका कहना है कि लगता है ये वीडियो काम कर गई, यानी उन्हें यकीन हो गया कि जो वीडियो बनाकर उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी को भेजी, कहीं ना कहीं
ये उसका असर है कि यहाँ से कर्मी गायब है, तितर बितर है, कोई जाम नहीं लग रहा, कोई गाड़ी नहीं रुकवा रहा। और इस बात के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी तक को धन्यवाद कह दिया। चलिए एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ऐसा कहीं कुछ होता है, आप लोगों को भी नजर आता है, तो वीडियो बनाइए और ट्रांसपोर्ट टीवी तक पहुंचाइए। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि हो सकता है ये 2-4 दिन का ही खेला हो और ये फिर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो कहीं ना कहीं असर हुआ है। प्रशासन या आला अधिकारी अगर देख रहे हो तो इस बद इंतजामी का कुछ करें और इस तरह की मनमानी का भी कुछ करें। ये वीडियो देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम कमन हंसपाल सिंह। ट्रांसपोर्ट टीवी ने एक ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस की बहुत वधिया सुविधा सानू ट्रकां वालों नू दिती है। मैं भी अपने दोस्तों मित्रां दे ट्रकां दे सब दे इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल तो ही करवाई। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।